जब तक उन पे गुनाह दाखिल नहीं होता तो मेरे को तो लड़ना ही है ना। चाहे सीपी ऑफिस के सामने बिल्कुल मिला ना एक बार सीपी साहब को फाइल दिया अगाओ साहब करने दो बोले रमी पे केस करो जो चल रहा है उस पर करो जो सच्चाई को दबा रहे तुम जो चालू है उस पर करो ना तुम दे दिया जी मिलने की कोशिश की मगर निवेदन हमने पहुंचा दी जो भी इसको आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि उसकी वजह से मैं मेरा घर मेरी फैमिली मेरे रिश्तेदार पूरे डिस्टर्ब हो गए और मेरे साथ में 50 लोग अभी उनके घर वालों को मुंह दिखाने काबिल नहीं कि तुम मैं अशोक किशनराव भेड़े माजी नगर सेवक माजी सभापति दिनांक 23/8/2022 को गिरी साहब ने मेरे यहाँ पे रेड करे ठीक है रेड करे मेरे वहाँ रम्मी चालू थी मेरे वहाँ दूसरा कोई गेम चलता नहीं और जितने भी सीनियर है मैं खुद 64 साल का हूँ जितने सीनियर है कुछ इंजीनियर थे कुछ नौकरी वाले थे कुछ रिटायर थे उनके वो मनोरंजन के लिए हम सोशल क्लब चलाते अगर सोशल क्लब चलाना गुनाह है तो फिर औरंगाबाद सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन में रम्मी चलती अपने हाई कोर्ट में रम्मी चलती वहाँ क्यों नहीं जाते ये पुलिस वाले क्योंकि वो लोगों को खुल छूट है ये सिटी क्लब में चलता है सिटी क्लब में क्या रम्मी चलती दूसरा क्या चलता ये वो लोगों को छूट है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं और दूसरे लोग आम आदमी ने कहीं मनोरंजन करना नहीं ऐसा गिरी का कहना है क्या मैं क्यों पैसे दूँ उसको मैंने मेरे से पैसे मुझ बैठूँ इनके गुनो यानी इन इनो गुनाह करेंगे और मैं सही लूँ क्यों सही भाई मेरा क्या गुनाह था मैंने क्या किया है इसलिए मैंने दिनांक 24 को आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि उसकी वजह से मैं मेरा घर मेरी फैमिली मेरे रिश्तेदार पूरे डिस्टर्ब हो गए मेरे साथ में 50 लोग अभी उनके घर वालों को मुंह दिखाने काबिल नहीं कि तुमको रेट में पकड़े गए वो रम्मी को अगर तिरड़ बांधाते तो फिर ठीक है मेरे लिए हाईकोर्ट है मुझे मेरे को इतना है मालूम है माननीय आयुक्त साहब माननीय पुलिस महासंचालक माननीय फडणवीस साहब माननीय मुख्यमंत्री मुझे न्याय देंगे ज़्यादातर मुझे उम्मीद सिर्फ आयुक्त साहब पे है उन्होंने मेरे को आप जो आत्मदान करना चाह रहे हैं हाँ इसकी खास वजह क्या है क्यों आत्मदान करना चाह रहे हैं मुझे गाली दिया और दूसरी बात मेरे पूरी इज्जत चली गई गिरी को जो चल रहा था मेरा रम्मी चालू था ना भाई रम्मी पे करो ना तुम केस मैं नहीं बोल रहा थोड़ी रम्मी पे केस करो जो चल रहा है उस पर करो जो सच्चाई को दबा रहे तुम जो चालू है उस पर करो ना तुम आपको क्या उम्मीद क्या रखते हैं सीपी साहब से क्या उम्मीद है माननीय आयुक्त साहब मुझे न्याय देंगे क्या न्याय मिलना चाहिए इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए मेरे साथ मेरे दोस्त ना डब्बू हाँ। वो बोल रहे हैं भाई मोहसिन भाई जरा मुंह संभालो जात पे गाली मत दो तो उसको गाली देकर बात कर रहा हो टाइट मार रहा डब्बू से खामोश बैठता है तेरे को 353 में डालू बोले यह कितने लोगों पे आप चाहते हैं कि गुना दाखिल हो एक नंबर एक पे अशोक गिरी दो नंबर पे एपीआई भंडारी तीन नंबर पे सैयद मोहसिन और चार नंबर पे रोहित गांगुड़े अब मेरे एक दोस्त पत्रकार को रोहित गांगुड़े बोल रहा है इनको इसको तो मैं बहुत लंबा पहुंचाऊंगा कहाँ पहुंचाने वाला मैं काला पानी का मर्डर वर्डर का मर्डर करे हुआ है मैंने कहाँ पहुंचा था ये रोहित गांगुड़े आपकी सीपी साहब से मुलाकात हुई क्या बात हुई सीपी साहब से नहीं मेरी बात नहीं हुई फिर आप कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें मैंने अपना ये दे दिया है ये मेमोरेंडम दे दिया मेरा मेरे आत्महत्या का लेटर मैंने दे दिया अभी मुख्यमंत्री साहब औरंगाबाद में आए थे जी 17 तारीख को तो आपने उनसे मिलने की कोशिश की क्या इस मामले में मिलने की कोशिश की मगर निवेदन हमने पहुंचा दिया निवेदन पहुंचा हाँ मेरा अच्छा आप सीपी साहब के पास जाएंगे क्या आगे कोशिश करेंगे बिल्कुल जाएंगे बुलाएंगे तो देंगे कब जाएंगे ये मेरे 23 तारीख तक मैं इंतजार है मेरा इनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो 24 को तो मेरे को करना है जो करना है तो मेरे ऊपर जो मेरे को पूरा गैम्बलर बना दिए उन्होंने मेरे साथ 50 लोगों को गैम्बलर बना दिए गैम्बलिंग है क्या वो रम्मी ये गिरी जो मनमानी कर रहा क्या दाखिल करे तुम्हारे ऊपर गैम्बलिंग का और जातिवाचक गाली दिया सैयद मोहसिन ने कितने लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ 50 लोगों पे टोटल 50 लोग उसमें रिटायर इंजीनियर है पाट बंदर विभाग का रिटायर इंजीनियर है और फिर वो कुछ सरकारी कर्मचारी भी है अरे अंदर और भी लोग थे फिर उनका बोलना है तुम जुगाड़ अड्डा चलाते ये जो सोशल क्लब क्या जुगाड़ अड्डा है क्या अगर जीएसटी सरकार ले रही तो जुगाड़ अड्डे की जीएसटी लेते क्या क्यों उनको तो पूरा डॉक्यूमेंट बताने के बाद में भी उन्होंने मानने को तैयार नहीं है तो क्या गुनाह दाखिल कर दिया तुम्हारे ऊपर गैम्बलर का तिरट खेल रहे बोल के पर्याय क्या है
जब तक उन पे गुना दाखिल नहीं होता तो मेरे को तो लड़ना ही है ना। चाहे कहाँ पर करेंगे आप? सीपी ऑफिस के सामने। सीपी ऑफिस के सामने करेंगे। बिल्कुल। कितनी तारीख तक के आप इंतजार करेंगे इस चीज़? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक आप सीपी साहब से फोन मिलने की कोशिश करेंगे या आप इंतजार करेंगे वहाँ? इंतजार करेंगे उनके ऊपर गुना दाखिल करने का। या आपको वहाँ से कुछ कॉल आए बात करेंगे इसका इंतजार करेंगे ना बात? एक मरतबा सीपी साहब से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं क्यों मिलूं भाई? मेरे पे गुना दाखिल हुआ उनका काम था सीपी साहब का। मैंने कितने दिन को 16 तारीख को एक वो दिया, उसके पहले दिया, उसके 5 तारीख को लेट ये दिया कि मेरे बाकी, बाकी जो 50 लोग हैं जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उन लोगों का क्या आपके साथ समर्थन है या फिर वो लोग क्या वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, उनका मेरे साथ पूरा समर्थन है क्योंकि उनको मालूम है ना अपने पर झूठा गुना दाखिल है। भरोसे पे आए हुए थे ना मेरे पे, मेरे उनको मालूम है हम GST भरते, मेरा सोशल क्लब है, कार्ड है, फॉर्म भरता मैं, हर एक का फोन नंबर है, उनका टाइमिंग लिखता रजिस्टर है मेरे पास, फिर अवेलेबल है आपके पास? पूरा अवेलेबल है। फिर साल के साल ऑडिट क्या है बता दीजिए, आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरी मांग है सिर्फ ये 4 लोगों पे गुना दाखिल होना। सबसे पहले तो मुझे गाली दिया मोहसिन ने, अब झूठा गुना उन्होंने दाखिल करे उन पे गुना दाखिल होना। एक नंबर पे अशोक गिरी, 2 नंबर पे अशोक भंडारी API, 3 नंबर पे सैयद मोहसिन API, 4 नंबर पे PSI रोहित गांगुड़े। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है अशोक किशन राव बेड़े।